जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ एक नए यात्रा की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक ऐसे गंतव्य स्थान की जानकारी लेकर आया हूं, जहां पर कि जाने पर आप लोग भारत के इतिहास के साथ साथ एक रोमांचक सफ़र भी तय करेंगे। तो दोस्तों, यह जगह है दोस्तों अमृतसर, जो कि भारत के पंजाब राज्य में पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर में कई ऐसी दर्शनीय स्थान हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। अमृतसर अपने आकर्षण स्थलों के साथ साथ अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, जिससे आने वाले पर्यटकों का दिल गदगद हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी अमृतसर जाने का प्लान बना रहे हैं, एक कम्प्लीट ट्रैवल यात्रा आप लोग करना चाहते हैं वहाँ की, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को ऐसे गंतव्य स्थान, ऐसे पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, जहाँ पर कि आप लोग भविष्य में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में जा सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पंजाब राज्य का यह खूबसूरत शहर सिख धर्म का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अमृतसर में मनाए जाने वाले बैसाखी का त्यौहार बेहतरीन भोजन, कपड़े और मीरा बनाने के साथ साथ अमृतसर की संस्कृतियों को उजागर करता है। अमृतसर अपनी भूमि पर हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और वाघा बॉर्डर से निकटता कारण अधिक फेमस है। स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे नरसंहार की त्रासदी का गवाह यह शहर बना है। अमृतसर की खूबसूरती और इतिहास से जुड़े तथ्य पर्यटकों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। दोस्तों, तो मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार आप सभी लोगों को अमृतसर में यात्रा जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोग दोस्तों इस खूबसूरत शहर को पास से और नज़दीक से देख सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, वो यह आ जाती है कि आप लोग अपने गंतव्य स्थान पर किस प्रकार से पहुँचे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि अमृतसर आप लोग बस, ट्रेन, प्राइवेट कार, प्राइवेट टैक्सी, फ्लाइट, ये सभी माध्यमों से दोस्तों आसानी से आप लोग अमृतसर पहुंच सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई भी परेशानी यहां पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में नहीं होने वाली है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों, बाय बस या फिर बाय रोड अमृतसर आप लोग किस प्रकार से पहुँच सकते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, अमृतसर नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है और यह सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अमृतसर देश के अन्य प्रमुख नगरों से दैनिक रूप से चलने वाली बसों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और प्राइवेट व्हीकल से भी आप लोग यहां पर आ सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों, यदि बात कर लें कि बाई ट्रेन आप लोग किस प्रकार से आ सकते हैं, तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि अमृतसर एक शानदार रेलवे स्टेशन है जो शहर को देश के अन्य प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, आगरा, अहमदाबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ से बहुत अच्छी तरह से जोड़ता है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों बाई ट्रेन भी आसानी से अमृतसर पहुंच सकते हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों बाई फ्लाइट की, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अमृतसर के सेंटर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इस हवाई अड्डे पर उतर कर अपनी अमृतसर की यात्रा आसानी से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात आती है दोस्तों स्टे की, स्टे के लिए मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि चाहे आप लोग किसी भी माध्यम से शहर में आए, आप लोगों को दोस्तों जो टेम्पो रिक्शा वाले जो मिलते हैं, वो लोग दोस्तों आप लोगों को आसानी से स्टे की व्यवस्था करवा देंगे। उनको आप लोग अपना बजट बताइए और वो लोग उस चीज़ को अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल्स उपलब्ध हैं, जो कि आप लोग अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, रेट्स अगर नॉर्मली बात कर ले दोस्तों, तो 500 से 800 रुपये के बीच में आप लोगों को अमृतसर में रहने के लिए अच्छे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। और यदि आप लोग चाहें दोस्तों, तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि यह रहेगा कि आप लोगों को प्री बुकिंग में वहाँ जाकर रूम्स वगैरह देखने की या फिर रूम वगैरह का जो कभी कभी रश हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों अमृतसर में खाने की, तो दोस्तों बता दूं कि यहाँ की प्रसिद्ध भोजन सामग्री की तलाश में यदि आप लोग हैं, तो यहाँ की कुछ प्रसिद्ध भोजन सामग्री है दोस्तों, दाल रोटी, सब्जी, खीर, चना मसाला, कटा हुआ प्याज और इमली की चटनी, कीमा, कुलचा,
शमी कबाब, मटन टिक्का, तंदूरी चिकन, खारोद का शोरबा, लच्छा पराठा, पालक पनीर और स्मोकी बैगन भरता के अलावा भी अमृतसर में आपको बहुत सारे प्रसिद्ध फूड्स चखने को अवसर मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि बजट की बात कर ले तो पर पर्सन दोस्तों 150 रुपीज़ खाने का बजट यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों पंजाब के खाने की तो क्या ही बात करी जाए, तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस है। आप लोग किसी भी शहर किसी भी सिटी में हो दोस्तों, आपके आसपास में एक पंजाबी ढाबा तो ज़रूर ही होगा। और दोस्तों खाने के मामले में आप लोग बेफिक्र रहिए, यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा और लजीज खाना मिलेगा। के बाद में आती है दोस्तों शहर के घूमने वाली जगहों की या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस लेकर आया हूँ, जिसमें कि पहला है दोस्तों ब्लिस एक्वा वर्ल्ड, जो कि बच्चों और युवाओं के लिए एक अद्भुत वाटर पार्क है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पानी से जुड़ी एक्टिविटीज़ को बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों अपने परिवार के साथ में अमृतसर आ रहे हैं तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है एक शानदार पिकनिक मनाने के लिए। इसके बाद में आता है दोस्तों भटिंडा फोर्ट या फिर भटिंडा किला, जो कि दोस्तों भटिंडा का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक किला है, जो कि राजा डब और राजा कुशान द्वारा निर्मित किया गया था। उसके अलावा दोस्तों गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव बहादुर द्वारा ने भी इस स्थान का दौरा किया था अपने जीवन काल में। आप भी यहाँ पर जरूर विजिट करें दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों अमृतसर का खालसा कॉलेज, जो कि शहर का 124 साल पुराना कॉलेज है और इसी वजह से यह भारत का ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है। अमृतसर का खालसा कॉलेज 300 एकड़ के भूभाग में बना हुआ है। इस शिक्षण संस्थान ने परिसर के समृद्ध वातावरण और समाज के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का दर्जा हासिल किया है। इसके बाद में आता है दोस्तों गोविंदगढ़ किला या फिर आप लोग कह सकते हैं दोस्तों गोविंदगढ़ फोर्ट, जो कि भारत के पंजाब राज्य के अतीत की भव्य कहानियों को बयान करता है। यह ऐतिहासिक किला 257 वर्षों के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहा है, जो कि भंगी मिस्र युग से शुरू होते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंत में भारतीय सेना के साथ समाप्त होता है। इस किले का निर्माण सन 1760 में गुज्जर सिंह द्वारा भईजादा किला के रूप में किया गया था। इसके बाद में आप लोग जा सकते हैं दोस्तों श्री अकाल तख्त साहिब के दर्शन के लिए। दोस्तों अमृतसर में स्थित अकाल तख्त, जिसे अमर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, सिखों का सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान है और इस अकाल तख्त की स्थापना सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सन 1606 में की थी। अकाल तख्त अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में स्थित है, जो 5 अकाल तख्तों में से एक है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों अमृतसर में सुमार यहाँ का पार्टीशन म्यूजियम, जो कि लाखों लोगों की कहानियाँ और अन्य तत्वों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में अमृतसर में एक टाउन हॉल को ओपन किया गया है, जिसे कि दोस्तों पार्टीशन म्यूजियम का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं दोस्तों, और जो पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसे दोस्तों उसके दर्द को उस मंजर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश जरूर करें और साथ ही साथ दोस्तों उसे आप लोग फील भी करें। इसके बाद में आप लोग घूमने जा सकते हैं दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय, जो कि समर पैलेस का बदला हुआ रूप है। महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय एक सुंदर इमारत है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की शाही विरासत वस्तुओं जैसे हथियार और कवच, शताब्दी पुराने सिक्के, उत्कृष्ट पेंटिंग और पंडुलिपियों को संग्रह करके रखा गया है। यह महल प्रसिद्ध रामबाग गार्डन से घिरा हुआ स्थान है दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं दोस्तों और महाराणा रणजीत सिंह के राज्य को, उनकी शासन के अलावा को, उनके हथियारों को करीब से देखने का मौका ना छोड़ें। इसके बाद में आप लोग जा सकते हैं दोस्तों भारत के एक ऐतिहासिक स्थल पे, जिसका कि भारत की आज़ादी में और भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम दिल से लगी हुई जगह है दोस्तों। यह है दोस्तों जलियांवाला बाग, जो कि दोस्तों एक सार्वजनिक उद्यान है। यह जलियांवाला बाग 6.5 एकड़ भूमि में फैला है और भारतवर्ष की एक बहुत ही दुखद घटना का गवाह बना हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान बैसाखी के शांतिपूर्ण जश्न के लिए इस स्थान पर इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाओं पर जनरल डायर के आदेश अनुसार अंधाधुंध गोलियां चलने की आज्ञा दी गई थी। इस घटना में हजारों की संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इस नरसंहार स्थान का उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कि आप लोग अपने अमृतसर यात्रा पे नहीं छोड़ना चाहिए, वो है दोस्तों वाघा बॉर्डर। अमृतसर से 28 किलोमीटर और लाहौर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत और पाकिस्तान की चिन्हित सीमा को वाघा बॉर्डर नाम दिया गया है। वाघा बॉर्डर भारत में पंजाब के अमृतसर में स्थित है।
बाघा बॉर्डर पर शाम के वक्त पर्यटक घूमने आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की परेड भी देखी जा सकती है, जिसमें कि दोस्तों पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सैनिक वैसे ही धूल चटाते रहते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग चाहें दोस्तों पाकिस्तान को जी भर के कोस भी सकते हैं यहाँ पर बैठ के, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे दोस्तों जय श्री राम। बाद में दोस्तों अमृतसर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसे कि देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अमृतसर के सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से यह एक स्थान है जिसे कि गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर सिख धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में शामिल है और धार्मिक उत्साह, पवित्रता, संस्कृति और दिव्यता का अनुभव इस मंदिर में किया जा सकता है। गोल्डन टेम्पल का इतिहास बताता है कि विध्वंसों के दौर में गुजरने के बाद इसे सन 1830 में संगमरमर और सोने से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा फिर से निर्मित करवाया गया था। यह मंदिर अमृतसर शहर के केंद्र में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं दोस्तों। और इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अमृतसर में और भी बहुत सारे गुरुद्वारा और दर्शनीय स्थल है जहाँ पर कि आप लोग जा सकते हैं दोस्तों, और वाटर पार्क्स भी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में है दोस्तों। सभी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर कि आप लोग घूम सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको उन खास 10 जगहों के बारे में यहाँ पर बताया है जहाँ पर कि आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। और यदि बात कर ले दोस्तों सबसे अच्छे समय की जिसमें कि आप लोग अमृतसर जा सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों नवंबर से अप्रैल का जो महीना जो समय होता है, यह समय दोस्तों अमृतसर शहर को घूमने के लिए सबसे अच्छा और माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम खुशनुमा होता है, बारिश और कड़ाके की धूप की कोई चिंता नहीं होती है। इस समय के दौरान अमृतसर का तापमान भी अनुकूल रहता है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप लोग इस समय पर ही वहाँ पर जाएँ। और दोस्तों यदि यह बात कर लें कि कितने दिनों के लिए आपको जाना चाहिए, तो दोस्तों 2 से 3 दिनों का समय अमृतसर घूमने के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। कई लोग तो दोस्तों केवल 1 दिन के लिए ही जाते हैं या फिर 2 दिन और 1 नाइट के स्टे पर ही अमृतसर घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें कि वो लोग दोस्तों एक अच्छा समय व्यतीत कर पाते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि बजट की बात कर लें, तो दोस्तों आप लोगों का बजट दोस्तों अमृतसर में पर पर्सन 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने वाला है। इतने बजट में दोस्तों आप लोग आराम से अमृतसर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाने का मजा ले सकते हैं और स्टे भी आप लोगों का दोस्तों एक अच्छा हो जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की मेरी कोशिश कि मैं आप लोगों को अमृतसर शहर को थोड़ा और करीब से रूबरू करवाऊँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जाने से पहले दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हो सके दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जो लोग भी अमृतसर जाना चाहते हैं। वैसे दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।